जो आए यहाँ एक बार वो आए यहाँ बार बार। खाना खजाना फैमिली रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट झांसी रोड मकरौनिया सागर। सागर जिले के रहली में पति के मर्डर के सनसनीखेज मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं इसी मामले में उसके माता पिता को 4 साल 5 महीने की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति के द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक राजेश दुबे के मर्डर मामले में आरोपी पत्नी नमिता उर्फ अनु दुबे को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 201 में 7 साल के कारावास से दंडित किया गया है। इसी मामले में धारा 201 के आरोपी राजकुमार शुक्ला और गीता शुक्ला को 4 साल 5 महीने 9 दिन की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी ये सजा जेल में रहकर काट चुके हैं, इसलिए इनकी रिहाई हो जाएगी। दरअसल राजेश दुबे दिनांक 1 और 2 अगस्त 2018 की दरमियानी रात अपनी ससुराल गणेश मंदिर वार्ड 8 में पत्नी से मिलने आया था, जहां पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने अपने पति राजेश दुबे का लाठियों से पीटकर मर्डर कर दिया था। साथ ही पिता राजकुमार शुक्ला और मां गीता शुक्ला के साथ मिलकर साक्ष्य छुपाने के लिए डेड बॉडी को छुपा दिया था। आज अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रहली द्वारा सत्य प्रकरण क्रमांक 41/18 में आरोपी नमिता और अनु दुबे को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और 100 रुपये के दंड से अर्थदंड से दंडित किया गया है। सही आरोपी गीता शुक्ला राजकुमार शुक्ला को धारा 201 का दोषी पाते हुए 4 साल 5 माह 9 दिन की सजा सुनाई गई और 100 रुपये के दंड से दंडित किया गया है। नमिता दुबे द्वारा अपने पति को लाठियों से मार पीट पीट कर हत्या की गई थी। नमिता दुबे को धारा 201 में भी दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है, जो धारा 302 की सजा के 7 साल चलेगी। जो आए यहाँ एक बार वो आए यहाँ बार बार। खाना खजाना फैमिली रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट जोमेटो स्विगी पर उपलब्ध। इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस हॉल, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है आनंद नगर दीपक मेमोरियल स्कूल के सामने झांसी रोड मकरौनिया सागर। 9300934801।